रोहतास जिले के डेहरी में आशा कार्यकर्ताओं ने आज अनुमंडल अस्पताल के गेट पर धरना दिया तथा जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं और आने जाने वाले मरीजों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं कई मरीज बैरंग वापस लौट गए। दरअसल आशा कार्यकर्ता अपने 12 सूत्री मांगों को लेकर आज से हड़ताल पर चली गई हैं। इन लोगों का कहना है कि उन्हें सरकारी सेवक घोषित किया जाए तथा जब तक सरकार उन लोगों के मांगों पर विचार नहीं करती है उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं डेहरी अनुमंडल अस्पताल में आशा कार्यकर्ताओं के हड़ताल तथा प्रदर्शन से मरीजों की परेशानी काफी बढ़ गई। हमारी समस्या बहुत सारी है, हमें सरकारी सेवा घोषित किया जाए, हमारी जो 12 सूत्री मांगे हैं उसको पूरा किया जाए और हमें वेतन मान दिया जाए, 18,000 वेतन मान है वो हमको दिया जाए और जब तक से हमारी सरकार मांगे नहीं पूरी करेंगे तब तक से हम इस धरना प्रदर्शन को जारी रखेंगे। जब तक सरकार हमारी मांगे मान लेती है तो हम इस धरना प्रदर्शन को खत्म कर देंगे। क्या नाम है? मेरा नाम गीता देवी है, हम आशा कार्यकर्ता है। आशा को सरकारी कर्मचारी घोषित करने का हम लोग का मांग है और 12 सूत्री मांग है हम लोग को कि हम लोग को यहाँ जो हम लोग के साथ तनाशाही होता है वो ना हो और 18,000 रुपया मानदेय दिया जाए और हमारा 12 सूत्री मांग है वो पूरा किया जाए। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम लोग धरना पर बैठेंगे, हड़ताल में रहेंगे और हम लोग अनिश्चितकालीन जब तक नहीं होगा, जब तक हम लोग सरकार मांगे नहीं देगी तब तक हम लोग नहीं रुकेंगे। क्या नाम है आपका? गीता कुमारी।